एवरीवन, वेलकम टू माय एसएसटी क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इससे पहले देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। तो हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको समझने के लिए तुम लोग को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो कि साउथ अफ्रीका का है। तो साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो थोड़े ब्लैक कलर के होते हैं, तो वहाँ पे जो है कलर को लेके भेदभाव बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं एपार्टाइड सिस्टम। तो ऐसे ही बहुत सालों तक साउथ अफ्रीका के लोग जो थे इस एपार्टाइड सिस्टम से वो लोग स्ट्रगल करते आ रहे थे। तो वहाँ पे जो वाइट पीपल थे वो लोग ब्लैक पीपल को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते थे। तो ब्लैक लोगों का जो एरिया था वो अलग होता था, वाइट लोगों का एरिया अलग होता था। ब्लैक लोगों के लिए जितने भी जो जैसे कि स्कूल्स होते हैं, होटल्स होते हैं या उनके काम करने का जगह होता है, सभी कुछ जो है वाइट पीपल से सेपरेट होता था। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए जो ब्लैक पीपल थे वो स्ट्रगल किए, मूवमेंट्स किए, और लास्ट में वो लोग इसको बदलने में सक्सेस हुए। तो ये जो था द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ट इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। तो इसके बाद जो थे द ऑपरेसर, मतलब जो लोग उनको ऑपरेस करते थे, व्हाइट पीपल एंड द ऑपरेस्ट, जो ऑपरेस्ट होते थे मतलब द ब्लैक पीपल, तो वो लोग जब न्यू डेमोक्रेसी बना साउथ अफ्रीका में, तो सभी लोग एक साथ एक ही कंट्री में इक्वल राइट्स के साथ रहने के लिए राजी हुए। तो इट वॉज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। तो उसके बाद ये इतना ईजी नहीं था उनके लिए कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर ईजिली ट्रस्ट करें कि फ्यूचर में जो है वाइट पीपल उनको प्रॉब्लम में नहीं लाएंगे, या फिर उनको उनका जो जो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुआ है उसको फिर से चेंज ना कर दें। तो उन लोगों के बीच में एक डर बना हुआ था कि ये जो वाइट पीपल है बाद में उनके बातों से वो मुकर ना जाएं। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट। तो वो ब्लैक पीपल जो थे वो चाहते थे कि उनका जो डिमांड्स है, उनके जो राइट्स है, उसको कैसे सिक्योर किया जाए, कैसे उनको उनके डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। तो क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो है ब्लैक पीपल मेजोरिटी है और वाइट पीपल होते हैं माइनॉरिटी, तो मेजोरिटी होने के बाद भी उनके डिमांड्स, उनके राइट्स को हमेशा अनदेखा करते आ रहे थे वाइट पीपल वाले। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो ब्लैक पीपल जो थे वो ये चाहते थे कि उनके जो नीड्स या फिर जो राइट्स या जो अधिकार है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो वो भी चाहते थे कि जो राइट्स, जो अधिकार वाइट पीपल को मिला है वही सब जो है ब्लैक पीपल को भी मिले, सेम सोशल और इकोनॉमिक राइट्स उनको भी मिले। द व्हाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। जो व्हाइट माइनॉरिटी लोग हैं वो लोग ये इस कोशिश में थे कि उनके जो प्रॉपर्टी है, जो सुविधाएँ उनको मिल रहा है, जो प्रिविलेजेस मिल रहा है वो उनसे ना छीना जाए, तो वो लोग उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो ऐसे बहुत सारे दोनों के बीच में डिबेट्स हुए, ब्लैक पीपल के बीच में, वाइट पीपल के बीच में। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन, बातचीत होने के बाद फाइनली वो लोग बहुत लंबे डिस्कशन के बाद दोनों की पार्टी के बीच में नेगोशिएशन हुए, दोनों राजी हुए दोनों पार्टी, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हुए। द व्हाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटी रूल्स एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। तो जो वाइट पीपल थे माइनॉरिटी पीपल, वो लोग लास्ट में जो ब्लैक मेजोरिटी थे उनके प्रिंसिपल्स की और जो रूल्स थे उस पर वो राजी हुए, उस पर वो कायम रहने के लिए राजी हुए, और जो वन पर्सन वन वोट का जो रूल्स था उसको वो लागू करने के लिए राजी हुए। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पोअर एंड द वर्कर्स। और जो पोअर पीपल थे, जो लेबर क्लास वर्कर पीपल थे, उनके लिए भी कुछ स्पेशल सुविधाएँ, कुछ अलग से राइट्स देने के लिए वो लोग राजी हुए। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। और उसके बदले में ब्लैक पीपल को क्या किस बात पे राजी होना पड़ा कि जो ब्लैक मेजोरिटी पीपल हैं वो लोग अपनी इच्छा, अपनी डिमांड जो है वाइट पीपल के ऊपर नहीं थोपेंगे, मतलब वो लोग एब्सोल्यूट नहीं बनेंगे कि जो मतलब वो मेजोरिटी है तो वो जो बोलेंगे वही होगा, वो इस बात ऐसे नहीं करेंगे बोल के उनको एश्योर किए। दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी। और वो लोग ये इस बात पे राजी हुए कि जो ब्लैक मेजोरिटी लोग हैं वो लोग व्हाइट माइनॉरिटी के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, उन उसको वो लोग नहीं छीनेंगे। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी। और ये जो कॉम्प्रोमाइज था दोनों के बीच में, व्हाइट पीपल के बीच में और ब्लैक पीपल के बीच में, भी वो इतना ईजी नहीं था। तो हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड।
तो ये जो जितने भी कॉम्प्रोमाइजेस हुए दोनों के बीच में, तो ये कैसे लागू होगा उस कंट्री में, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा? इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट इच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर? अगर वो लोग एक दूसरे के ऊपर राजी हो भी जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो ट्रस्ट करने के लिए वो राजी हो भी जाते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि फ्यूचर में कोई दूसरा अगर रूलर आएगा व्हाइट पीपल का, तो वो लोग इस सभी रूल्स को या रूल्स और रेगुलेशन को चेंज नहीं करेगा? क्योंकि दोनों खाली एक बातचीत के ऊपर राजी हुए थे कि जो व्हाइट पीपल थे वो ये प्रॉमिस किए कि वो लोग उनको सभी अधिकार देंगे, और जो ब्लैक पीपल थे वो भी ये प्रॉमिस किए कि वो व्हाइट पीपल के पावर्स और प्रिविलेजेस को नहीं छीनेंगे। तो ये जो था खाली बातों में था, मतलब वो लोग इसका क्या गारंटी था कि आगे चल के इसका उल्लंघन नहीं होगा या फिर जो प्रॉमिस किए गए हैं उसको नहीं तोड़ा जाएगा? सो द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच ए सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरी वन वुड अबाइड बाय। तो इस सभी सिचुएशन में एक ही रास्ता है, जो ट्रस्ट है दोनों के बीच में, व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में जो ट्रस्ट था उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए एक ही वे है, वो था जितने भी बातचीत हुआ दोनों के बीच में, जितने भी रूल्स प्रिंसिपल्स जो भी वहाँ पे डिसाइड डिस्कस किया गया उस सभी को लिख के रखने का, उस सभी का सभी को जो है कुछ प्रिंसिपल्स बना के उसको लिखना, लिख के रखना, जिसको कि सभी कुछ सभी लोग मानने के लिए वो लोग मतलब जैसे करके भी उसको मानेंगे, वो लोग जो है उसको मानने के लिए एबाइड है, मतलब जैसे करके भी उसको मानेंगे। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। तो जो जितने भी रूल्स लिखा गया था दोनों के बीच में, तो उसमें ये बात भी लिखा गया कि फ्यूचर में कोई भी रूलर्स चूज होता है, चाहे वो व्हाइट पीपल का हो या ब्लैक पीपल का हो, तो वो कौन कौन से वे में चूज होंगे, उनको कौन चूज करेगा। देन दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। और इसमें भी रूल्स लिखा गया कि जो रूलर्स चूज होंगे, चाहे वो किसी भी कलर का हो, तो उनके हाथों में कौन कौन से पावर दिए जाएंगे, मतलब एक कंट्री को रन करने के लिए उनके पास क्या पावर होंगे, तो वो अपने पावर्स का यूज करके क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी लिखा गया था। देन फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। उसके बाद जो था जो रूल्स लिखा गया सिटीजन्स के क्या क्या राइट्स होंगे उसके बारे में भी सब कुछ लिखा गया था। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। तो ये सभी रूल्स कब काम करेगा, तब तक काम करेगा जब तक कि कोई नया विनर, जब इलेक्शन में हर 5 साल में वो बदलते रहते हैं, तो जब तक कोई नया विनर वो सभी रूल्स को चेंज नहीं करेगा तब तक वो ठीक से काम करता रहेगा। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड। तो ये जो था सभी साउथ अफ्रीकन दोनों ने मिलके किए थे। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। तो दोनों ही पार्टी जो थे कुछ बेसिक रूल्स के ऊपर एग्री हुए थे। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम। और क्या किस बात पे वो लोग सहमत हुए थे कि ये जितने भी रूल्स हैं वो सुप्रीम कहलाएगा, मतलब वो सबसे ऊंचा होगा, ना ब्लैक पीपल का विश चलेगा ना व्हाइट पीपल का, जो लिखा जाएगा वो दोनों से मतलब कंट्री के सबसे ऊपर रहेगा, वो सुप्रीम रहेगा। दैट नो गवर्नमेंट विल एबल टू इग्नोर दीज। तो चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट बने व्हाइट पीपल का या ब्लैक पीपल का, कोई भी गवर्नमेंट उस रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकता या फिर उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता या फिर उसको चेंज नहीं, उसको मानने के लिए वो कंपल्सरी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी रूल्स यहाँ पे लिखा गया था दोनों पार्टी के बीच में, तो इसी रूल्स और रेगुलेशन के ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये गारंटी देता है कि जो जो लिखा गया है उसको हम सभी लोग मानने के लिए कंपलसरी है। तो वो हम लोगों को एक ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट रहता है वो मेंटेन रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया साउथ अफ्रीका में वो इतना ईजी नहीं था, क्योंकि हर एक कंट्री में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग पीपल रहते हैं, चाहे वो किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में हो या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, सभी में जो है लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं।
तो इसलिए सभी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी कंट्री के लिए हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं कि हम लोग खाली एक कंट्री के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम लोग किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको हम लोग अपने घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे घर के लिए भी हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं कि हमारे घर में कौन कौन से नियम होने चाहिए, कौन कौन से मेंबर के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, जैसे कि बहुत रात तक घर से बाहर कोई ना रहे, या फिर सुबह 6 बजे सभी मेंबर्स उठ जाने चाहिए। तो सभी का एक अलग से प्रिंसिपल्स होना चाहिए, चाहे वो किसी कंट्री में हो, अपने घर पे हो, अपने क्लब पे हो, स्कूल पे हो, या किसी भी एसोसिएशन पे हो, एक सुप्रीम एक प्रिंसिपल्स होना बहुत ही जरूरी होता है। तो उसी प्रिंसिपल्स के ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक सेट ऑफ रिटन रूल्स, तो जो रूल्स को हम लोग लिख के रखते हैं और जिसको कि एक कंट्री के सभी लोग उसको मानने के लिए कंपलसरी होते हैं, तो उसी रूल्स को ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पीपल लिविंग इन ए टेरिटोरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीम लॉ है जिसको कि एक एरिया में या फिर एक टेरिटोरी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है और लोगों का अपने देश के साथ जो रिलेशनशिप होता है, अपने गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, उसको ही बोलते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बहुत अलग अलग होता है। तो फर्स्ट इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो फर्स्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का काम, ये हम लोगों के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करता है और एक कोऑर्डिनेशन बिठाता है जो कि किसी भी अलग अलग टाइप के लोगों को एक साथ रहने के लिए वो ज़रूरी होता है। सेकेंड इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर टू टेक हुज डिसीजन। तो सेकेंड में जो है ये गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनेगा या फिर गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स होंगे और कौन कौन से डिसीजन वो ले पाएंगे उसके बारे में भी वो लिखता है। थर्ड इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। थर्ड जो है ये गवर्नमेंट के लिमिट्स के बारे में बताता है, गवर्नमेंट जो है वो उसका जो पावर्स है वो कितना तक है, वो अपने पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकते, तो उसके क्या क्या लिमिट्स है वो भी उसको बताते हैं। उसके साथ साथ जो सिटीजन्स के राइट्स होते हैं उसके बारे में भी वो हमें बताता है। एंड फोर्थ इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। तो ये जो है लोगों के अंदर जो एस्पिरेशंस होते हैं कि हमारे लिए जो एक सोसाइटी जो होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी जो हम लोग जिसके सपना हम लोग सभी देखते हैं, तो उसी टाइप की सोसाइटी को वो एस्टैब्लिश करने के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें हेल्प करता है। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो सभी डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, लेकिन सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होते हैं। ठीक है, आफ्टर द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब इंडिपेंडेंस के लिए ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में वॉर हो रहा था, उसके बाद अमेरिका जो था अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया। आफ्टर द रिवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फ्रेंच लोगों का जो स्ट्रगल था, रिवोल्यूशन था, उसके बाद फ्रेंच लोगों ने भी अपने लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया था। Since then it has become a practice in all democracies to have a written constitution. तो इसी दिन से ये जो था एक सभी कंट्री के लिए एक प्रैक्टिस बन गया कि सभी कंट्री के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने ही चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई दूसरा पार्टी, दूसरा रूलर्स उसको चेंज ना कर दें। तो इसलिए जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कंट्री में होना बहुत ही ज़रूरी होता है।